जनाबे अली कैसे ठीक ठाक है? टिक्के शिक्के क्या हिसाब किताब चला रहे? 270 रुपये। सूरत तो बड़ी वीआईपी लग रही है। बाकी महंगाई का थोड़ा असर अंदाज है इसमें? चिकन क्या हिसाब किताब चल रहा है? चिकन 400 रुपये। हाँ भाई, महंगाई तो है फिर भी मुनासिब रेट है यार। सिंगल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सिंगल के क्या रेट चल रहा है? 220। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे और ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर होंगे। जैसा कि नासिरन आप जानते हैं कि कराची में बड़ी ज़ोरों की बारिशें चल रही है और कराची में बारिश और पानी का रिश्ता कुछ इस तरह का है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से इतनी बारिश हुई है कि कराची वालों की कांपें टांग गई है। तो अभी इस वक्त हम मौजूद है एक रेस्टोरेंट पर जिसका नाम है इमरान बरगद के नाम से और ये मौजूद है कटी पहाड़ी पे, मेन कटी पहाड़ी पे ये मौजूद है। हम यहाँ पर जो है, हमारा तकरीबन सफ़र था 20 से 15 मिनट का और हमें तकरीबन यहाँ पे पहुँचने में जो है ना 45 मिनट लग गए। कहीं पे खड्डे थे और कहीं पे पानी खड़ा था, तो जहाँ पर पानी खड़ा था वहाँ पर हमने तैराकी की और जहाँ पर खड्डे थे वहाँ पर हमने गोते लगा। तो ये सब पूरे यहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने ये सोचा कि इन सब का हल क्या। खैर, वो बात तो हो गई। तो अभी हम आते हैं खाने पर। आज हम ट्राई करने वाले हैं टिक्का। रिजवान भाई, जैसा कि हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये टिक्का आ चुका है और उसके अलावा साथ में ये रिजवान भाई क्या चीज़ है? ये बिहारी मलाई बोटी है, साथ में और ये बोटी है। और ये है बिहारी मलाई बोटी और साथ में हमारे शादेब भाई भी मौजूद हैं। अभी थोड़े से सनसनाटे में चल रहे क्योंकि खाना आ चुका है। तो इनका जब खाना आता है ना, फिर उसके बाद इनका दिल कहीं भी नहीं लगता है। ऐसे ही तो रिजवान भाई ट्राई करके बता दिया जाए। शादेब भाई बताएं। शादेब भाई बताएं। नहीं नहीं नहीं, शादेब भाई नहीं, जुलूम मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं करा। चले भाई, मैं ट्राई करके बता देता हूँ। और इसका, इनके हम पहले आया करते थे, आज से तकरीबन साल भर पहले आए थे रिजवान भाई। तो साल भर पहले हम आए थे, इनका जायका जो है ना बहुत मुनफरिद जायका था, बहुत अच्छा जायका था। तो अभी हमने सोचा कि फिर दोबारा से हम ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो किसके साथ ट्राई किया जाए? टिक्के के साथ ट्राई किया जाए, क्या इनका टिक्का बड़ा लजीज है। भाई टिक्के का तो नहीं पता लेकिन इनका रायता बड़ा लजीज है रिजवान भाई। हाँ हाँ हाँ, मजेदार। नहीं शादी भाई, आप भी तो ट्राई करके बताओ। रोजा तो नहीं है माशाल्लाह, आपको रोजा तो रख के आया नहीं भाई। मलाई बोटी चक्कर बताओ, स्पेशली आपकी ना मंगाई है। लीमू
मलाई है यार ये शादी भाई ये कौन सा वाला जायका था जो आप मुंह में रखते भूल गए? भूल गया मतलब अच्छा भूल गया मलाई की तरह होता है मैं समझा कि आप भूल गए कहीं ऐसा ना हो ना कि हमें भूल जाए अच्छा जायका ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है मसाला भी बेहतरीन लगा और इनका इनके पास एक और ये चटनी है ये रिजवान भाई कौन सी चटनी है मुझे कुछ पीले पीले कलर की चटनी नजर आ रही है लेकिन इसका भी जायका बता दूं सलीम भाई जायके के अलावा रेट अगर आप भाई रेट पे अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि महंगाई है और महंगाई अपने उरूज पर है तो महंगाई के हिसाब से रेट बहुत मुनासिब है। अब जैसे कि ये हाफ चिकन है ठीक है और ये हाफ़ चिकन इन्होंने तकरीबन कितने 220 रुपए का हाफ़ चिकन दिया मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब रेट है कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसी के साथ अभी हम खाते को पहले ख़त्म करते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ठीक है और आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि खापा अभी बाकी है। A few moments later. So welcome back. खापा हमारा हो चुका है और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जायका था और इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ आज हमने जो ट्राई किया था वो हमने बादवी को ट्राई किया था और उसके अलावा इनके पास जिंगर फास्ट फूड और बाकी जैसे कि देसी आइटम ना वो सालन वगैरह वो मेरे ख्याल से वो रिजवान भाई देसी आइटम में ही आते ना और रिजवान भाई से भी आपकी मुलाकात करवा दी। रिजवान भाई से पहले हुई नहीं थी क्योंकि रिजवान भाई पहले कैमरा पकड़ के बैठे हुए थे तो शादी भाई से पूछ लिया था कि खाने का जायका कैसा था। शादी भाई सुन सन्नाटे में क्यों बैठे हैं आप? चले आज शादी भाई को सुकून चाहिए थोड़ा सा। रिजवान भाई सुकून तो मेरे ख्याल से सिर्फ कब्र में ही है। सुकून देना है नहीं को दूसरा वाला सुकून मिल जाएगा सुकून तो अच्छा चले भाई तो रिजवान भाई बताएं खाने का जायका कैसा लगा आपको? लाजवाब बहुत ही ज्यादा मजे का जायका था। देखिए हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर और एक्चुअली हमारा आने का मेन मकसद ये था कि आज भी इसका जायका वही है या कुछ चेंज हुआ है मगर इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है मगर मजीद और भी ज़्यादा जायकेदार लगा। आज हमने मलाई रोटी टेस्ट करी इसके साथ टिक्का रोटी टेस्ट करी साथ में टिक्का भी टेस्ट करा तीनों जायके बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इनकी चटनी के जायके भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उनकी कंपलसरी के अंदर बहुत सारे आइटम भी थे दोस्तों पहले भी जा चुके उसमें कोई कंपलसरी नहीं होती। आपको आप बताएं कि हम एक जगह गए थे जहाँ पे कंपलसरी के अंदर सूप दिया गया था जो कि 500 रुपये एड किए गए थे सूप के मगर यहाँ पर दो किस्म के रायते थे प्याज वगैरह नींबू वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी दीगर अशिया जो कि कंपलसरी दी गई थी और जायके के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा जायका अच्छा था इसका और अच्छे साइज़ के इनके जो चिकन टिक्के के जो पीस होते हैं बहुत ही अच्छे साइज़ के होते काफ़ी बड़े होते हैं मैं आपको ये कहना चाहूँगा। और बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत मुनासिब थी और रेट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और बाकी शादे भाई नामा अमाल मंगवा दें यार एक काम करते ना कि शादे भाई को भेज देते शादे भाई जाके गले वाले मिल के आएंगे तो चले भाई खापा तो हो चुका है शादे भाई चाय चलेगी आज रिजवान भाई एक चीज़ आप भूल रहे हैं शायरी। हाँ यार रिजवान भाई से जब तक हम एक शेर ना सुने ना तब तक कि हमारी महफिल अधूरी रहती है और अभी रिजवान भाई से एक शेर सुनते हैं। रिजवान भाई इरशाद करें आप फुल मूड में हो तो आज एक वीआईपी शेर हो जाए सही है भाई। तो जिस रोज ये आदमी खुद में खुदा बन जाएगा कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा ये मोहब्बत है दुबारा, जिस रोज ये आदमी खुद में खुदा बन जाएगा कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा ये मोहब्बत है मिट जाने से भी जाती नहीं तू कोई कैदी नहीं है जो रिहा हो जाएगा और शाम की मंजर को तकना भी मेरी एक इबादत है शाम के मंजर को तकना भी मेरी एक इबादत है मुझे जाने दे मेरा सूरज कजा हो जाएगा। हाय हाय वाह 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 रिजवान भाई ने भाई आज तो बड़ी लंबी शेर सुना दी।
चले भाई, सारी चीजें रिजवान में बता चुके हैं और अभी हम चलते हैं चाय पीने। अब तक क्या हमारा नामा अमाल भी आता होगा, और नामा अमाल पे करने के बाद चाय कौन पिलाएगा? भाई मैं तो जा रहा हूँ, खैर नामा अमाल आने से पहले मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ। अरे तू कोई कैदी थोड़ी है जो रिहा हो जाएगा भाई। रिहाई तो रिजवान भाई चले चाय पीने। चाय पिए बगैर तो हमारा भी गुजारा नहीं होगा। और कितनी अच्छी महफिल जमी हुई है, चाय तो बनती है बॉस। तो चले भाई अभी मिलते चाय पे। अभी हम आ चुके हैं एक जगह पर और यहाँ पर मिलती है कश्मीरी चाय, और आप कश्मीरी चाय देखें। और कश्मीरी चाय का सिलसिला कुछ ऐसा है ना कि ये वाली कश्मीरी चाय जो है ना सिर्फ कराची में मिलती है। अभी पिछले साल मेरा जाना हुआ था कश्मीर में। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब भी कभी भी कहीं कोई जाता है तो अमूमन ऐसा होता है कि वहाँ की जो स्पेशल चीज़ जो होती है खाने पीने के हवाले से तो बंदा वो ट्राई ज़रूर करता है। तो कश्मीर जब मैं गया तो मैंने जाके कश्मीरी चाय वहाँ पे बड़ी तलाश की। तो वहाँ पे एक होटल पे गए हम, मैंने कहा यार कश्मीरी चाय, तो कह रहे वो भाई साहब ने क्या है कि हमें कावा ला के पकड़ा दिया। और कावा भी ऐसा है कि ग्रीन टी टाइप का कावा था, और वो कह रहे थे कि भाई ये है कश्मीरी चाय। मैं खुद हैरान हो गया। तो ये वाली जो कश्मीरी चाय है ना, ये वाली कश्मीरी चाय सिर्फ कराची में मिलती है। यार रिजवान भाई यार ये बड़ी ज्यादती वाली बात है यार, यहाँ तीन कप रखे हुए थे, आपने एक उठा के अपने पास रख दिया, एक उठा के वहाँ पे रख दिया। ले लीजिए सर। नहीं मतलब कि कुछ भी हो जाए बस खाने की पड़ी है, पीने की पड़ी है, पीने की। अच्छा पीने की। अच्छा रिजवान भाई आप कराची में मिलने वाली कश्मीरी चाय ज़रा टेस्ट करके बताएं कि कैसी है। भाई कश्मीरी चाय का सलीम भाई ने बताया, बड़े ताजुब हुआ मुझे इस बात को सुनकर है। तो फिलहाल मैं इसको पहले चेक करूँ। हाँ जल्दी जल्दी चेक कर। इसमें मीठा है, रुक जाओ। इसमें पिस्ता भी आया। पिस्ता भी आया। वैसे अमूमन रिजवान ने कश्मीरी चाय में जो है ना ज़ाफ़रान भी डलता है, इसमें ज़ाफ़रान भी है, मलाई भी है। अरे मेरी जान ट्राई करके बता दो कैसा जायका है। यार हर गुट के अंदर एक अलग जायका आ रहा है, तो मैं कैसे बताऊँ कैसा जायका है यार। आप लोगों ने एकदम डिस्टर्ब कर दिया मुझे, हर गुट के अंदर कैसे बता सकता हूँ। दो तीन किस्म के देखिए, थोड़ा नमकीन टाइप है, मीठा भी है, मगर जो मक्खन के टाइप का मीठा होता है उस तरह का कुछ मीठा है इसके अंदर। लग रहा है दूध जो ना ज़्यादा पका हुआ, दूध एकदम पक पक के एकदम पक गया है। दूसरा चाय के साथ पिस्ता आ रहा है, जो कि बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। वैसे खाने में या पीने में? भाई पिस्ता खाया जाता है, पिस्ता पिया नहीं जाता। पिस्ता खाने में मज़ा आ रहा है और चाय पीने में मज़ा आ रहा है, दोनों। और मलाई चबाने में मज़ा आ रहा है, एक खलचे में दो मज़े। तो फिलहाल चाय का जायका अच्छा और काफ़ी अलग लगा मुझे। लेकिन ये कश्मीरी चाय का मुझे सिलसिला समझ नहीं आया जो सलीम भाई ने बोला, मैं इसको लाजमी सर्च करूँगा भाई। भाई आप लाजमी सर्च करूँगा भाई, आप लाजमी सर्च कीजिएगा, देखिएगा भाई। यार रिजवान भाई चाय के साथ मुझे एक शेर याद नहीं आ रहा, एक शेर सुनना है आपसे यार। चाय के ऊपर शेर? सोचो सोचो इरशाद। चाय के ऊपर नहीं, किसी और पे सुना था। चलो किसी और पे सुना था। चाय को ही मद्देनजर रख के सुना लेते। अच्छा। तेरी खुशियों का सबब यार कोई और है ना, आए हाय दोस्ती मुझसे मगर प्यार कोई और है ना। अली जदीद, अली जदीद, अली जदीद, अली जदीद। तू मेरे अश्क न देख और फकत इतना बता, तेरे हुस्न पे मर मिटने वाले बहुत होंगे, मगर तेरे दिल का तलबगार कोई और है ना। आहा वाह 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 वाह। तो भाई इसी शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ नहीं करूँगा वीडियो को लाइक। वीडियो को लाइक नहीं करेंगे? नहीं करूँगा। चले आप नहीं करें, हमारे भाई सलीम भाई के चाहने वाले बहुत, आपको पता है ना। आए आए। तो भाई वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।